पहले वाले मैंने वीडियो में आपको प्रकाश के प्रकाश को दर्पण से पृथ्वी बनने के नियम बताए, तो मैं रिपीट करती हूँ। दर्पण से पृथ्वी बनने के तीन नियम कौन से हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, पहला नियम था। दूसरा नियम ये था कि अगर फोकस से हम किसी किरण को डालते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या था कि जब वक्रता केंद्र से डालते हैं तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। बात समझ में आ रही है, ये तीन नियम पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। आज हम अवतल दर्पण से पृथ्वी बनने के नियम पढ़ने चल रहे हैं और स्क्रीन पर सारे फिगर्स मैंने बना रखे हैं, आप देखें उनमें से कोई भी दो नियम लेकर हम यहाँ पर पृथ्वी बनाएंगे। तो सबसे पहला है, बहुत जल्दी से देखिएगा, सबसे पहला है कि जब वस्तु अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत पर है तो पृथ्वी कैसा बनता है, फोकस पर कैसा होता है, अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज के बराबर, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक मतलब वास्तव में दिखाई पड़ता है, आभासी मतलब वो आता वो प्रतीत होता है। बट इसमें छह फिगर में आप देखिए एक ही पृथ्वी आभासी बन रहा, बाकी सब में वास्तविक पृथ्वी बन रहा है। दूसरा देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर होती है तो इसका पृथ्वी कहां बनता है, एफ तथा फोकस, एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये देखिए एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में। और एक बात ये जान लीजिए कि जब कोई किरण अनंत से आती है तो वो हमेशा समांतर ही रहती है, इसको जान लीजिए, ठीक। इसके बाद इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ तथा सी के बीच, छोटा, वास्तविक और उल्टा। छोटा बन रहा है वस्तु से, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तीसरी वगैरह, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र पर होती है तो उसी के साइज का बनता है। देखिए वक्रता केंद्र है ये बीसी मत समझ लीजिएगा, ये मैं लिख दे रही हूँ, ये सी है और ये ए भी यहाँ अलग दे देती हूँ। ए भी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, इसको आप समझ लीजिएगा, नहीं गड़बड़ करो, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ये सी वक्रता केंद्र पर है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहती है तो साइज वो वस्तु प्रतिबिंब जो बनता है वो उसी के बराबर बनता है, प्रतिबिंब सी पर ही बनता है वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक। चौथा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, अगर वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी से काफी दूर, वस्तु से बड़ा और वास्तविक, ठीक है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से काफी दूर बनता है, बड़ा बनता है। पांचवा है, जब वस्तु फोकस पर होती है, अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो हम दो ही किरण एक ही करते हैं, एक ही समांतर जा रही तो फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से जा रही तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर, बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। छठवां क्या है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है तो इसी में ये ही लास्ट है कि इसमें जो पृथ्वी बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सारे पृथ्वी दर्पण से पहले ही बन रहे हैं, बल्कि इसमें कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे का, जब वस्तु कहां रखी हुई, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये पी, ये दर्पण का ध्रुव है, मैंने सारी परिभाषा आपको इससे पहले वीडियो में बता रखी है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, सारी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि ये सारे फिगर्स आप अपनी कॉपी में बना लेंगे अच्छे से और इनको लिखेंगे। आगे वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण से पृथ्वी बनने के नियम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बेटा।